समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर आज पुआया के बड़ागांव में भी साइकिल यात्रा निकाली गई। साइकिल यात्रा का नेतृत्व सपा नेता राजेश गुप्ता ने किया। आपको बता दें कि आज स्वर्गीय जिनेश्वर मिश्र की जयंती के अवसर पर समाजवादी पार्टी हर तहसील से साइकिल यात्रा निकाल रही है। दरअसल साइकिल यात्रा का मकसद कि पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुँचाया जाए। साथ ही 2022 विधानसभा चुनाव से पहले अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए भी साइकिल यात्रा निकाली जा रही है। राजेश गुप्ता अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ साइकिल यात्रा लेकर निकले। राजेश गुप्ता का कहना है कि साइकिल यात्रा से गांव-गांव जाकर लोगों को पार्टी की नीतियों से अवगत कराएंगे और समाजवादी पार्टी से जुड़ने के लिए प्रेरित भी करेंगे। उन्होंने कहा कि आने वाला वक्त समाजवादियों का है। 2022 में पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। इस दौरान राजेश गुप्ता ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार हर मोर्चे पर फेल है। प्रदेश में महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, महिलाओं का शोषण रुक नहीं रहा है और कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, वहीं युवा बेरोजगार घूम रहे हैं। साथ ही राजेश गुप्ता ने कहा कि अगर 2022 में हमारी सरकार आती है तो हम सबसे पहले महंगाई और बेरोजगारी पर काम करेंगे। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी के निर्देश के अनुपालन में हमारे समाजवादी आंदोलन के प्रखर नेता श्री जनेश्वर मिश्र जी छोटे लोहिया साहब के जन्म दिवस पर ये साइकिल रैली हम भ्रष्टाचार, अत्याचार, पुलिस उत्पीड़न, किसान, नौजवान, महिलाओं का जो शोषणकारी जो उत्पीड़न चल रहा है उसके विरोध में हम ये रैली निकाल रहे हैं। हमारा उद्देश्य है समाज में एक ऐसा संदेश देना जिससे समाजवादी सरकार बन सके, समाजवादी सरकार ला सके, मुख्यमंत्री बना सके। विधानसभा चुनाव में आप भी अपना भाग्य जमा रहे हैं, तो किन मुद्दों के साथ चुनाव लड़ेंगे? हम सबसे पहले शिक्षा के ऊपर, मेरा मुद्दा शिक्षा रहेगा, किसानों का मुद्दा रहेगा, किसानों के ऊपर जो नीतियाँ बनाई गई हैं उनको वापस कराने का काम करेंगे, बेरोजगारी पर काम करेंगे, नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम करेंगे, महिलाओं के शोषण को रोक लगाने का काम करेंगे, आम जनता को सुशासन देने का काम करेंगे।